हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार का जो रिजल्ट है काफी अनफेयर तरीके से जारी किया गया है। सिर्फ सीबीएसई का नहीं और बोर्ड इसमें भी शामिल है। अगर हम त्रिपुरा बोर्ड की बात करें दोस्तों, त्रिपुरा बोर्ड का रिजल्ट तो वैसे काफी शानदार आया था, बट इस रिजल्ट से बहुत ही बच्चे असंतुष्ट हैं क्योंकि जो मेधावी छात्र थे उनके नंबर काट लिए गए। और इसीलिए त्रिपुरा बोर्ड ने फैसला लिया दोस्तों को वहां का जो रिजल्ट है दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा बोर्ड ने फैसला कर लिया है कि त्रिपुरा बोर्ड के छात्रों का रिजल्ट दोबारा से रिव्यू किया जाएगा, बाद में फिर से दोबारा जारी किया जाएगा। ठीक दोस्तों, ऐसे ही कुछ तरह से उड़ीसा बोर्ड द्वारा भी निर्णय हम कह सकते हैं कि लिया जाने वाला है। वहां पर भी रिव्यू दोबारा से रिजल्ट को लेकर होने वाली है और दोबारा से जारी किया जाएगा। दोस्तों ये थोड़ी सी संतुष्ट करने वाली खबर है, हमारे फेवर में भी कुछ ऐसा हो यही हमारी इच्छा है क्योंकि छात्र लगातार बिल्कुल एग्जाम से हम बात नहीं बनने वाली। एग्जाम देने से कोई डरता नहीं है क्योंकि हमारा कर्तव्य है एग्जाम देना, हम छात्र ही एग्जाम देने के लिए, और छात्र अपने कर्तव्य से कभी पीछे हटने वाले नहीं है। बसरते ये होना चाहिए कि सभी को सेम यानी समान व्यवहार किया जाना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट्स हो चाहे भी जो रेगुलर छात्रों के साथ किया जा रहा है। हालांकि पहले प्राइवेट छात्रों के साथ इतना ज्यादा व्यवहार किया गया क्योंकि उनकी संख्या कम थी। मैंने आपसे हजार बार कहा है कि लोकतंत्र में उन्हीं की बात सुनी जाती है जो सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपकी संख्या भी दोस्तों जो संतुष्ट है उनसे कम है, प्राइवेट छात्रों की संख्या कम क्योंकि उनके द्वारा एग्जाम उनके तो रिजल्ट आए नहीं। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं, तो हम कहते हैं ना कि अगर हम ज्यादा संख्या बढ़ेंगे तो अपनी बात ऊपर तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों अभी एक और मैं आपको खबर देने वाला हूँ, सीबीएसई का जो रिजल्ट जारी किया गया था, आप सभी को पता है कि बिहार में प्रदर्शन लगातार जारी है। बिहार से 20,000 कंप्लेन जा चुके हैं रीजनल ऑफिस में और अन्य स्कूल्स में और सीबीएसई के अन्य ऑफिसरों तक 20,000 मैसेज जा चुका है, 20,000 कंप्लेन जा चुकी है जो सीबीएसई की जो कमेटी बन रही है, जो सेटलमेंट कमेटी है उसके खिलाफ, यानी उसके पास जा चुके 20,000 से ज्यादा बच्चे जो है उन्होंने अपना मैसेज या अपना जो शिकायत पत्र है वो डाल दिया है। मैं बिल्कुल आपको भी स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा आपको कि कितने छात्रों ने 20,000 छात्रों ने जो है बिहार से जो असंतुष्ट सीबीएसई छात्रों ने सीबीएसई पर आरोप लगाया कि सीबीएसई ने हमारा नंबर काट लिया है, और बहुत हजारों साथ जो है स्कूल पे आरोप लगा रहे हैं। तो स्कूल वाले कह रहे हैं कि भाई हमने तो अच्छा नंबर दिया बट इस जो सीबीएसई ने काट लिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्कूल जो लगा रहे, स्कूल बोर्ड पर क्या आरोप लगा रहे, पर शब्द से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बिल्कुल भी काट छाट नहीं करूंगा, बस पेशेंस से सुनिए दोस्तों। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्योंकि हो सकता है कि हमारे फेवर में भी कुछ इस तरह का फैसला आ जाए, भगवान करे। बोर्ड द्वारा, स्कूल ने बोर्ड पर क्या आरोप लगाया कि बोर्ड द्वारा बार बार अंक कम करवाए गए। ये कौन कह रहे हैं, स्कूल कह रहे हैं, किससे, बोर्ड से कह रहे हैं, राइट। जिस स्कूल का संबंधित साल में बेस्ट रिजल्ट था उनके भी अंक कम करवाए गए, यानी जिनका रेफरेंस ईयर था, जो बेस ईयर सीबीएसई ने कहा था बेस ईयर से आप रिजल्ट को आंकेंगे। तो बहुत से स्कूल सीबीएसई पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जिन भी स्कूलों का संबंधित रिजल्ट बेस ईयर अच्छा था उनके भी रिजल्ट कम करवाए गए हैं। इसके अलावा स्कूल्स ने बोर्ड्स पर क्या आरोप लगाया कि बोर्ड के अंक अपलोड प्रोग्रामिंग में कई गड़बड़ी थी। मतलब स्कूल वाले बिल्कुल डिक्टो कह रहे हैं कि जो बोर्ड है उसने ढंग से अंक को अपलोड नहीं किया है, और उनकी जो अंक अपलोडिंग की जो प्रोग्रामिंग थी, जिस प्रोग्राम के माध्यम से छात्रों का अंक चढ़ाए गए, उसमें ऐसी हजारों खामियां थी जिससे बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ। तो दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके रिजल्ट के जो प्रोग्रामिंग थी, प्रोग्रामिंग के तरीके से हमारे रिजल्ट कैसे खराब कर सकते हो आप छात्रों के साथ इतना बड़ा भेदभाव, इतनी बड़ी कमी आपके अंदर थी, लेकिन उस कमी के बावजूद भी आपने उस रिजल्ट प्रोग्रामिंग को ठीक प्रकार से नहीं व्यवस्थित किया जिससे हमारा रिजल्ट तैयार किया जा सके, और आप कहते हैं आपको मानना पड़ेगा। इसके अलावा बोर्ड ने यह भी, स्कूल ने यह भी कहा है, मैं आपको एक बार वो सदस्य पढ़कर सुना देता हूँ, स्कूल ने यह भी कहा है कि स्कूल की रिजल्ट कमेटी ने उन्हीं छात्रों को बेहतर अंक दिया जो कम उनके फेवर में थे, ये छात्र ने लगाया आरोप। ठीक है, मैं पहले आपको एक बार छात्र वाला नहीं, मैं आपको बोर्ड वाला, स्कूल वाला लगा रहा हूं। तो पहले आपने बता दिया कि प्रोग्रामिंग में गड़बड़ी आई थी, अब बोर्ड ने स्कूल के मेरिट लिस्ट के अनुसार कम अंक करने का दबाव डाला, यानी जो बोर्ड की स्कूल की मेरिट लिस्ट थी उसकी वजह से जो है स्कूल, बोर्ड ने स्कूल पर दबाव डाला कि छात्रों के कम नंबर किए जाए। ये कहां का न्याय, आप कैसे किसी को दबाव डाल सकते हैं कि छात्रों के नंबर कम किए जाए, ये बिल्कुल भी कहीं का न्याय नहीं है।
और क्या दोस्तों, स्कूल द्वारा अंक अपलोड करने पर उसे बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा था। जब जब स्कूल अंक अपलोड कर रहे थे, बोर्ड उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। जैसे हमने लगातार खबर सुन रहे थे, हमें लग रहा था कि जो भाई स्कूल्स वाले वो लगातार गड़बड़ी कर रहे हैं, या गड़बड़ी कुछ स्कूल गड़बड़ी की है कि उन्हें पैसे लेकर रिजल्ट बढ़ाए हैं, ये बिल्कुल है। और स्कूल्स ने बोर्ड पर क्या आरोप लगाया है कि स्कूल जो भी रिजल्ट भेज रहे थे सीबीएसई बोर्ड द्वारा बार बार उस रिजल्ट को अस्वीकार किया जा रहा था, राइट। ठीक है दोस्तों, ये है स्कूल्स वालों का बोर्ड पर आरोप कि भाई आप बोर्ड को तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बहुत ही संगीन आरोप कि आपने जानबूझकर छात्रों के जो नंबर कम किए। अब जो तो छात्र ने क्या क्या आरोप लगाए हैं कि स्कूल ने अंक देने में भेदभाव किया, नो डाउट 100% भेदभाव किया गया अंक देने में। जिन छात्रों के प्री बोर्ड में अच्छे अंक आए उनके अंक काट लिए गए, ये 100% आई टोटली अग्री विद, मैं आप सभी से सहमत हूँ कि जिन भी छात्रों के प्री बोर्ड में काफी अच्छे नंबर आए थे उन सभी के नंबर काट लिए गए, मेधावी छात्रों के भी अंक काट लिए गए। स्कूल की रिजल्ट कमेटी ने उन्हीं छात्रों को बेहतर अंक दिया जो उनके फेवर में थे, ये 100% हुआ है दोस्तों। क्योंकि मेरे पास ऐसे हजारों से ज्यादा मैसेज हैं जहां पर ऐसा कहा गया है बच्चों ने कि हमारे साथ भेदभाव किया गया है, जो बच्चे फेवर में थे स्कूल कमेटी के उनके तो अच्छे नंबर दिए गए, जो जो अच्छे नहीं थे जो फेवर में नहीं रहते थे उनको अंक काट लिए गए। और अच्छे स्कूलों स्कूलों ने नहीं मिलेगा नामांकन, तो अब ओबीसी बात भाई, जब आपके कम नंबर हैं तो आपको कौन आर्ट्स साइंस देगा, कहां मिलेगा आपको एडमिशन, तो ये सारी चीजें हैं। अब बोर्ड को जवाब दे रहे हैं दोस्तों कि ये जो स्कूल्स ने आरोप लगाए हैं वो सही है या गलत, इसको जवाब देना पड़ेगा। छोटा मोटा आरोप नहीं है, आप छात्रों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। बट दोस्तों यहां पर एक बात ये भी हमें ध्यान रखना है कि सीबीएसई बोर्ड ने एग्जाम, पहले तो हमने कहा था कि भाई पहले सीबीएसई ने कहा था कि 15 जो है 16 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट कर दिए जाएंगे, तो अभी जो 16 अगस्त से तो एग्जाम स्टार्ट होने वाले है नहीं, अब एग्जाम कब हो रहे 25 अगस्त से, तो 25 अगस्त के हो सकता है कुछ चीजें हमारी फेवर में आ जाए दोस्तों। बट मेक श्योर कि आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अब सीबीएसई पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, 1% भी भरोसा नहीं किया जा सकता दोस्तों। वो कुछ भी कभी भी जारी कर सकती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी की जो उसकी नोटिफिकेशन थी वो अभी तक आई नहीं। आज संडे हो चुका, संडे को 9 बज चुके, जहां 6 तारीख को आने वाला था आज 8 तारीख हो चुकी दोस्तों, नहीं आई। तो ये सारी चीजें ना दोस्तों हमें अंदर ही अंदर कहते हैं ना कि बिल्कुल हम पढ़ाई करें क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो बहुत से जो जो बोर्ड्स हैं वो अपने रिजल्ट को दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन सीबीएसई इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। तो आपको अपनी पढ़ाई को दोस्तों अनवरत जारी रखना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि सीबीएसई पर भरोसा मत करना दोस्तों। आपको 25 तारीख से एग्जाम देना ये मानकर चलिए, फैसला कुछ आएगा हम भरोसा करते कि हमारे फेवर में आए, लेकिन आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं और अपना 100% देना चाहते हैं उनसे मैंने कहा था कि वो पढ़ाई में लगातार लग जाए, सीबीएसई पर भरोसा मत करें। हाँ, अगर ऊपर वाले चाहा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की थोड़ी सी और बात मान ली उन्होंने तो हो सकता है रिजल्ट को ये भी रिव्यू में ले ले, जैसा त्रिपुरा बोर्ड और ने ले लिया है, उड़ीसा बोर्ड लेने वाला है। इस तरह से चीजें अगर हमारी फेवर में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेक श्योर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई लगातार जारी रखनी है। बस यही खबर मुझे आप सभी को आज देनी थी, थोड़ी अच्छी लगी, दिल को सुकून मिला कि हाँ कुछ बोर्ड जो है वो ये फैसला कर रहे हैं, हो सकता है सीबीएसई भी ले ले। दोस्तों कल आपको बता दें कि भारत के लिए बहुत बड़ा दिन था, भारत ने एथलेटिक में 121 साल बाद गोल्ड मेडल जीता किसी पर्सनल व्यक्ति ने दोस्तों। तो जैसे आपको पता है कि जो है हमने भाला फेंक में जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है, हमारे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण दोस्तों। अच्छी चीजें जो हुई इस ओलंपिक में हो, और आई होप कि हमारे साथ भी अच्छी चीजें, आपको पता है कि इस बार ओलंपिक में हमने यानी अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों होप बनाए रखें, कुछ अच्छा हमारे साथ भी होगा, बट अपना पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, एग्जाम के लिए लगातार तैयार करते रहें, यही बोल रहे हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर तो हर प्रकार की वो खबर आपको स्पष्ट और सही और सटीक रूप से दी जाएगी, और एग्जाम से रिलेटेड और क्वेश्चन से संबंधित वो सारी बातें हम आपको बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।